तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझ लेते हैं शेयरों का सम मूल्य पर निर्गमन क्या होता है, जिसको इश्यू एट पार बोला जाता है। ठीक है, तो समझिए, जब कंपनी अपने शेयरों को उसके अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू पर जारी करती है तो उसे सम मूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। सीधी सी बात है, एक शेयर है उस पर 100 रुपये लिखा हुआ है तो उसका वो फेस वैल्यू है, इस पर ही जब जारी कर दिया जाता है तो उसको सम मूल्य पर निर्गमन बोलते हैं। सम का मतलब समान, 100 रुपये का था 100 रुपये का निर्गमन किया गया। ठीक है, तो उसको सम मूल्य पर निर्गमन बोला जाता है। सम मूल्य का निर्धारण प्रतिभूति के जारी होने के समय किया जाता है। ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए आपको बताते हैं। जैसे ABC लिमिटेड ने 10 रुपये के अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू वाले 1,00,000 शेयर जारी किए, तो आप समझ गए होंगे इसको इश्यू एट पार बोला जाएगा।